नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 12। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार, आज का हमारा टॉपिक है रोड इंटरसेक्शंस। तो रोड इंटरसेक्शंस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, कभी भी दो या दो से अधिक रोड एक दूसरे से आपस में जब मीट कर जाते हैं, तो जो मिलने वाला जगह होता है ना, जहां पर वो रोड मीट करते हैं, तो उस जगह को हम लोग रोड इंटरसेक्शन कहते हैं। अब कई लोग देखिए रोड इंटरसेक्शन को लेकर के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कई बार वो लोग जो है रोड आइलैंड्स को भी इंटरसेक्शन मान लेते हैं, लेकिन रोड आइलैंड्स जो है वो अलग चीज़ है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में बताया हुआ है। रोड आइलैंड में क्या होता है, हमारे इंटरसेक्शन के बीच में एक छोटा सा आइलैंड होता है, इसलिए उसको जो है रोड आइलैंड का नाम दिया जाता है। लेकिन जो रोड इंटरसेक्शन होता है ना, इसके बीच में कोई भी आइलैंड वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर जो है रोड इंटरसेक्शन जो होते हैं, ये काफ़ी डेंजर जोन होते हैं हमारे ट्रैफिक और एक तरह से कह सकते हैं रोड्स के लिए। यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा हमारा एक्सीडेंट्स वगैरह होता है। और यार, ये जो रोड इंटरसेक्शन होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है कि सभी तरफ से रोड आपस में मीट कर जाते हैं, तो चारों तरफ से जो है अगर गाड़ियाँ आएंगी और अच्छे से उन्हें अगर दिखाई ना मिले या फिर कोई प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल वगैरह ना हो, तो वो आपस में जो है टकरा जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और ख़ासकर ये पेडिस्ट्रल मूवमेंट्स यानी कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि उनको जो है इस तरह के सिचुएशंस में अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है, और पैदल चलते हैं और कोई आके ठोक देता है, तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो जाता है जब हमारा कोई भी रोड इस तरह से मीट करता है और कोई इंटरसेक्शन वगैरह बनता है। तो इसीलिए हम लोग आम तौर पर जब भी रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड को बनाते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि रोड का इंटरसेक्शन जो है वो कम से कम हो, और अगर हो भी तो ऐसा इंटरसेक्शन हो कि वो 90 डिग्रीज में हो, क्योंकि 90 डिग्रीज में अगर होगा तो जो व्हीकल चलाने वाला पर्सन है उसको प्रॉपर एक विज़न मिलेगा चारों साइड का, जो कि हमें एक्यूट एंगल्स या फिर ऑब्ट्यूज एंगल्स में नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि इंटरसेक्शंस को कम से कम रखा जाए, और अगर रखा भी जाए तो उसे 90 डिग्रीज में रखा जाए। तो दोस्तों, यही होता है हमारा रोड इंटरसेक्शन। अब रोड इंटरसेक्शन जो है दोस्तों, इसको भी दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा इंटरसेक्शन एट ग्रेड, एंड दूसरा आता है दोस्तों हमारा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रोड इंटरसेक्शन एट ग्रेड्स के बारे में। तो यार, जो हमारा इंटरसेक्शन एट ग्रेड होता है ना, अब इंटरसेक्शन एट ग्रेड का मतलब होता है कि एक ही लेवल में हमारे रोड्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि रोड्स जो है अगर ज़मीन पर है तो ज़मीन पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फ्लाईओवर पे है तो फ्लाईओवर पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो यार, जब इस तरह का सेम लेवल में रोड इंटरसेक्ट करता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सेम लेवल में हमारा रोड जो है वो इंटरसेक्ट हुआ है, तो इस तरह के लेवल में, इस तरह के सेम लेवल में जब भी हमारा कोई भी रोड इंटरसेक्ट होता है, तो उसे हम लोग जो है इंटरसेक्शन एट ग्रेड के कैटेगरी में लाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा इंटरसेक्शन एट ग्रेड रोड्स है, इसके कैटेगरीज में भी हमारे कई तरह के इंटरसेक्शंस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आता है हमारा क्रॉस इंटरसेक्शन, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। क्रॉस इंटरसेक्शन में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा दो रोड्स होता है जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं 90 डिग्रीज पे। तो 90 डिग्रीज पे जब एक दूसरे को क्रॉस होते हुए हम लोग देखते हैं, रोड्स जो है कुछ इस तरह का दिखता है हमें, और इस तरह का जब रोड होता है तो इसी को हम लोग जो है क्रॉस इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा टी इंटरसेक्शन। टी इंटरसेक्शन जो है देखने में दोस्तों इस तरह का होता है, टी शेप का होता है ये, जिसमें हमारा दो रोड्स जो है आपस में मिल जाते हैं और एक टी शेप का जो है आकार बनाते हैं, और ये भी जो है राइट एंगल में ही होते हैं। फिर हमारा दोस्तों आता है स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। तो स्टैगर्ड इंटरसेक्शन में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है दोनों तरफ से टी बनता है हमारा, ऊपर से भी, इस साइड से भी। मतलब एक क्या होता है, हमारा एक बीच वाला जो रोड होता है वो एक मेन रोड होता है, और साइड साइड से जो है वो कुछ छोटे छोटे रोड्स आके मिल जाते हैं, सब रोड्स जो है वो आके मिल जाते हैं। तो ये जो है एक स्टैगर्ड फॉर्म में होता है, और ये सभी भी 90 डिग्रीज में ही हमारा होता है। तो स्टैगर्ड इंटरसेक्शन भी हमारा 90 डिग्रीज में होता है। आपको बस इतना ख्याल में रखना है कि जो क्रॉस इंटरसेक्शन होता है, टी इंटरसेक्शन होता है, और जो स्टैगर्ड इंटरसेक्शन होता है, ये सभी जो है 90 डिग्रीज में मीट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है स्क्यूड इंटरसेक्शन, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। ये जो है कुछ कुछ हमारा टी इंटरसेक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसमें जो है हमारा 90 डिग्रीज में ये नहीं होता है। यहाँ पर जो दोस्तों वर्ड है ना स्क्यूड, इसका मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा, या फिर
अलग टाइप का जो कि 90 डिग्री छोड़ के कुछ भी, ओके तो 90 डिग्री छोड़ के कुछ भी यानी कि तिरछा टेढ़ा मेढ़ा रोड है हमारा, तो इसी को हम लोग स्क्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको स्क्यूड वर्ड मिल जाए ना, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो रोड जो है हमारा 90 डिग्रीज में नहीं है, वो थोड़ा सा तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा है, ओके। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर स्क्यूड इंटरसेक्शन देख सकते हैं किस तरह का होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्रॉस स्क्यूड इंटरसेक्शन, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। ये जो है आपको लग रहा होगा कि ये क्रॉस इंटरसेक्शन जैसा ही है, बस ये इनटू टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है हमारा 90 डिग्रीज पे प्रॉपरली नहीं है, इसका एंगल जो है वो 90 डिग्रीज से बिलो या फिर थोड़ा सा हाई है। अगर आप गौर से देखें इस इमेज को तो आपको जो है ये दिखेगा कि ये प्रॉपरली 90 डिग्रीज में हमारा नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्रॉस स्क्यूड इंटरसेक्शन, जो कि हमारा राइट एंगल में नहीं होता है, ओके। तो ये कुछ थे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्क्यूड स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। तो दोस्तों जब भी स्क्यूड का हमारा वर्ड आएगा ना, स्क्यूड यानी कि ये 90 डिग्रीज में हमारा नहीं है, और ये भी देख सकते हैं किस तरह का स्टैगर्ड इंटरसेक्शन जैसा ही है, बस इसमें हमारा राइट एंगल में नहीं मीट हुआ है, यहाँ पर जो है एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल में स्क्यूड इंटरसेक्शन हुआ है, ओके। तो इस तरह से देख सकते हैं दोनों साइड से जो है छोटे छोटे रोड्स आके एक बड़े मेन रोड में मिल रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्यूड स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक आता है, ये थोड़ा अलग है, ये है हमारा वाई इंटरसेक्शन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वाई इंटरसेक्शन किस तरह का होता है। वाई इंटरसेक्शन जो है वो वाई टाइप का शेप में होता है, और दोस्तों ये जो इंटरसेक्शन होता है ये मोस्ट डेंजरस इंटरसेक्शन कह सकते हैं हम लोग का होता है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी हमारा यहाँ पर 90 डिग्रीज में नहीं होता है, और ये सभी जो स्क्यूड इंटरसेक्शन भी हमने देखा इनमें भी कोई 90 डिग्रीज वगैरह जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। 90 डिग्रीज में जो है रास्ते मीट नहीं करते हैं, जिसके कारण जो व्हीकल चलाने वाला ड्राइवर होता है उसका जो विजन होता है ना वो लिमिटेड हो जाता है, वो ज़्यादा जो है दूर डिस्टेंस तक या फिर चारों तरफ जो है देख नहीं पाता है, जिसके कारण वहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाई इंटरसेक्शन में अगर इस रास्ते से कोई आता है तो इस रास्ते को वो देख नहीं पाएगा, और हो सकता है इस रास्ते से कोई गाड़ी आए तो वो जो है उसे टकरा जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा वाई इंटरसेक्शन दोस्तों। इसके बाद हमारा एक लास्ट आता है जो कि है मल्टीपल इंटरसेक्शन। अब आप देख सकते हैं मल्टीपल इंटरसेक्शन क्या होता है, इसमें बहुत सारे रोड जो है आपस में एक जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इसका फोटो जो है कुछ इस तरह का होता है, इससे ज़्यादा भी रोड हो सकते हैं। और यार ये जो मल्टीपल इंटरसेक्शन वाला रोड है ना, ये भी काफ़ी ख़तरनाक टाइप का रोड है, यहाँ पर भी जो है एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम लोग जो है एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए आखिर क्या स्टेप्स लेते हैं? तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आज के टाइम पे उतना ज़्यादा फिर भी केयर नहीं कर पा रहे हैं, इंटरसेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना ही अच्छा होता है, पर फिर भी कहीं कहीं इंटरसेक्शंस तो हो ही जाते हैं, तो उनको जो है अवॉइड कर वहाँ पर एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग जो है या तो वहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड बना देते हैं बीच में, और या फिर हम लोग वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स का यूज़ करते हैं, टिपिकल ट्रैफिक लाइट्स का यूज़ करते हैं, या फिर एक ट्रैफिक हवलदार को वहाँ पर परमानेंट ड्यूटी दे देते हैं, जिसके कारण जो है वो ट्रैफिक हवलदार सबको मामू बनाता है और चलान काटता है। तो छोड़िए दोस्तों, आज चलान के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, लाइसेंस बना के रखिएगा अपना, ठीक है, और हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा रोड इंटरसेक्शन यहीं पर ख़त्म होता है। ये एक्चुअली हमारा इंटरसेक्शन एट ग्रेड था। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पर क्या होता है, हमारा ग्रेड जो है वो सेपरेट हो जा रहा है, यानी कि जो रोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना आपस में वो एक लेवल में नहीं कर रहे हैं, यानी कि रोड का इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, रोड एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं लेकिन एक लेवल में नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कि हमारा ओवर ब्रिज बना हुआ रहता है, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है एक ओवर ब्रिज बना हुआ है जिसके नीचे भी रोड है और उसके ऊपर भी रोड है, तो रोड जो है ऊपर नीचे से क्रॉस कर रहे हैं लेकिन जो है आपस में टकराव नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जो है व्हीकल्स आपस में टकराने के चांसेस नहीं है। तो हम लोग जो है इस तरह के इंटरसेक्शंस को ज़्यादातर आज के टाइम पे काम में ले रहे हैं एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जो हमारा ग्रेड इंटरसेक्शन है ना वहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए एडवांसमेंट थोड़ा लाया गया। हम लोग जो है थोड़ा सा क्या करते हैं उसमें एक फ्लाईओवर बना देते हैं और एक रोड को दूसरे रोड से जो है वो इंटरसेक्ट होने ही नहीं देते हैं, इंटरसेक्ट होता है लेकिन अलग अलग लेवल्स पर होता है, इससे क्या होता है हमारा एक्सीडेंट जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेजेस है इसका। लेकिन अगर किसी चीज़ का एडवांटेजेस होता है तो यार इसका डिसएडवांटेजेस भी होगा।
ये थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ता है, ओके, तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। वहाँ पर जो है हमें ओवर ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, काफ़ी जो है लेवलिंग वगैरह करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये हमारे लिए महंगा पड़ जाता है, लेकिन ये सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के तौर पर अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। तो हमारे जो बिज़ी वाले रोड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रोड्स होते हैं, जनरली हम लोग वहीं पर जो है इस तरह के ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि यार ज़्यादा बिजी इलाकों में ट्रैफिक को अगर रोक के रखेंगे तो इसका तो वही मतलब हो जाएगा ना, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, खुद ही नहीं जा पाएंगे तो दूसरों को क्या ले जाएंगे। अब यार जो हमारा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन होता है ना, इसमें हमारा एक प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर एक पर्सन को जो है नीचे वाले रोड से ऊपर वाले रोड में जाना हो तो वो क्या करेगा भाई, दोनों तो अलग अलग लेवल्स पर है, यहाँ पर तो कोई लिफ्ट उफ्ट लगा हुआ है नहीं, तो इसके लिए उसके पास क्या चॉइसेस है। तो दोस्तों चॉइसेस है, काफ़ी चॉइसेस है यहाँ पर, इसके लिए भी हमारे पास जो है कुछ टाइप्स है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस के, तो उन टाइप्स को भी चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायरेक्ट रैम्प है सबसे पहले, तो ये कुछ इस तरह का होता है, इधर से एक रोड जाता है, इधर से एक ब्रिज में रोड जाता है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का होता है। लेकिन इसके बाद आप अगर देखें सेकेंड टाइप में, ये एक सेमी डायरेक्ट रैंप है, तो यहाँ पर क्या होता है आप देख सकते हैं एक रोड इस तरह से गया है, एक रोड जो है ब्रिज के ऊपर से गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंटरचेंजिंग रैंप करके एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एक इंटरचेंजिंग रोड है जिससे कि नीचे वाला पर्सन वो ऊपर वाले रोड में जा सकता है, ठीक है। और एक आता है हमारा इनडायरेक्ट रैंप, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इंटरचेंजिंग रैंप जो है वो गोल आकार का होता है, और इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क टाइप का था हमारा, यहाँ पर जो है गोल आकार का होता है। तो दोस्तों इस तरह का हमारा इंटरचेंजिंग रैंप डाला जाता है किसमें, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस में, ताकि नीचे वाले लेवल के लोग जो है ऊपर वाले लेवल में जा सके, मतलब अलग अलग लेवल्स में वो लोग ट्रैवल कर सके, ठीक है, इंटरचेंज कर सके अपने रोड को अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तो यार यहाँ पर हमारा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस में जो इंटरसेक्टिंग रैम्प आपने देखा ना, ये भी हमारा दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला है दोस्तों हमारा ओवर पासेस एंड दूसरा है हमारा अंडर पासेस। ओवर पासेस में क्या होता है दोस्तों, हमारा ऊपर से रोड पास करता है, और अंडर पासेस में क्या होता है दोस्तों, हमारा रोड नीचे से पास करता है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग ओवर पासेस में जो है कुछ कुछ ऐसे जंक्शंस को देखेंगे। फॉर एग्जांपल पहला जो जंक्शन आता है वो हमारा क्लोवर-लीफ जंक्शन आता है। तो क्लोवर-लीफ जंक्शंस जो है देखने में कुछ इस तरह के होते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है इंटरसेक्शंस जो होते हैं वहाँ पर हमारे जो इंटरचेंजिंग रैम्प्स होते हैं आप देख सकते हैं किस तरह के होते हैं। पहले हमारा आता है पार्शियल क्लोवर-लीफ एंड दूसरा आता है हमारा फुल क्लोवर-लीफ। तो इस तरह टाइप का हमारा जो है इंटरचेंजिंग रैम्प्स डाले हुए होते हैं, इस तरह के रोड्स होते हैं जिनमें जो है हमारे 5000 से ज़्यादा व्हीकल्स जो है पर आवर तक चल सकते हैं। इसका कैपेसिटी देखिए कितना है, 5000 व्हीकल्स जो है पर आवर तक यहाँ पर इंटरचेंजिंग रैम्प्स वगैरह में ये इंटरसेक्शन में जो है मीट कर जाते हैं, फिर भी जो है हमारा ट्रैफिक जैम्स नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होता है। वाह क्या इंजीनियरिंग है, वाह 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 वाह। यार हमारे इंडिया में भी कुछ इस तरह के रोड्स होने चाहिए, इस तरह ब्यूटीफुल टाइप के रोड्स, है ना, गजब एकदम स्पॉट हो जाएगा घूमने फिरने के लिए। तो एक दो को है कहीं कहीं पे इंडिया में, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, तो बहुत ही कम है फॉरेन्स के मुकाबले, तो फॉरेन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यार वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग डेवलप हो रहे हैं और फ्यूचर इंजीनियर्स हैं यार हम लोग, तो ये काम हमारा है कि हम लोग किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ाएं, किस तरह से अपने देश को बिल्ड करें। तो हम लोग यार फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स हैं, तो अच्छे से जो है इनको आप ध्यान में रखिए, और फ्यूचर में अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ट्रम्पेट टाइप फ्लाईओवर, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है, फिगर आप देख सकते हैं कैसा होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वही हमारा लॉजिक यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर भी हमारा जो है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पर हमारा इंटरचेंजिंग एक रैम्प होता है, किस तरह का होता है आप देख सकते हैं। इन फिगर्स को जो है दोस्तों आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ देते हैं और आपको वहाँ पर जो है फिगर भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिगर्स को जो है अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यार अब हमारा एक लास्ट टाइप आता है अंडर पासेस ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ये क्या होता है, ये जो है हमारा ग्राउंड लेवल से पास करता है। जैसा कि दोस्तों आप देखते होंगे कई बार जो है हमारे रोड्स जो है वहाँ पर ओवर ब्रिजेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कई बार जो है हमें टनल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या करना पड़ता है पहाड़ों को खोद के टनल्स बनाना पड़ता है,
ठीक है, ओवर ब्रिजेस वहाँ पर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, अंडर पासिस करते हैं, ठीक है, अंदर से पास करते हैं, नीचे से ही पास करते हैं, खोद खाद के जो है हम लोग वहाँ पर टनल वगैरह बना करके उसे पास करते हैं। तो ये भी जो है अलग अलग लेवल्स पर होते हैं यार, एक रोड ऊपर होता है, एक रोड नीचे होता है। अब कभी कभार जो है ब्रिजेस के ऊपर भी कह सकते हैं, और कभी कभार कह सकते हैं कि ऐसे ही नेचुरली जो है एक लेवल रहता है जो कि ऊपर रहता है, और एक नेचुरली नीचे का लेवल रहता है जो कि हमें टनल खोद करके बनाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आमतौर पर आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल जाएगा। तो यार इसके भी एडवांटेजेस तो बिल्कुल सेम है ओवर पासेस की तरह ही है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस में आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो अंडर पासेस होते हैं ना, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जो अंडर पासेस वाले होते हैं, इनमें क्या होता है कि हमारे टनल्स वगैरह होते हैं और इनका लेवल जो है नीचे में होता है। तो इसके कारण जो है रेनी सीज़न के टाइम यानी कि बरसात के सीज़न के टाइम हमारा जो है यहाँ पर पानी भर जाता है काफ़ी, और इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अच्छा एक ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, वाटर को ड्रेन करने के लिए, पानी को हटाने के लिए अच्छा एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है। और एक बात दोस्तों जो आपको याद रखना ही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यार जब भी कोई भी रोड इंटरसेक्शन होता है, चाहे वो कोई भी टाइप का रोड इंटरसेक्शन हो, वहाँ पर हम लोग कोई भी सुपर एलिवेशन या फिर कैम्बर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई भी टाइप का सुपर एलिवेशन या फिर कैम्बर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। वहाँ पर वाटर को ड्रेन करने के लिए हम लोग ड्रेनेज सिस्टम्स बनाते हैं, नाली वगैरह बनाते हैं। वहाँ पर हमें कैम्बर तक प्रोवाइड करने के मतलब परमिशंस नहीं होते हैं। कैम्बर प्रोवाइड करने से थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो जाता है, एक्सीडेंट्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है पॉइंट टू बी नोटेड है कि कोई भी इंटरसेक्शन हो वहाँ पर हम लोग ना तो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं और ना ही सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर यार हम लोग पानी को रिमूव करने के लिए, वाटर को ड्रेन करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम्स किस तरह से बनाए जाते हैं रोड इंटरसेक्शंस में, ये हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ये एक इसका प्रॉपर एक चैप्टर है इस सब्जेक्ट में, तो इन अपकमिंग लेक्चर्स हम लोग जो है इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जो है आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो है इसके बाद पार्किंग स्टडीज़ को कवर करने वाले हैं, फिर हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को देखेंगे, और लास्ट में हमारा एक टॉपिक बच जाता है अर्थ प्रेशर, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे दोस्तों हिल रोड्स में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।